डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमारे को तो केमिस्ट्री में डिस्टेंस निकालना आता नहीं, कहीं निकाला था डिस्टेंस? डिड यू एवर कैलकुलेट डिस्टेंस? नॉर्मल नहीं किया था ना. तो हम लोग उस डिस्टेंस को कैसे रिलेट करें विद पैरामीटर्स ऑफ गैस? हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पता होते हैं, मतलब हम क्या मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं गैस की, क्या मेजर करते हैं हम लोग गैस का? व्हाट आर द मेजरेबल वॉल्यूम पैरामीटर? वॉल्यूम. वॉल्यूम तो हमें कैसे, वॉल्यूम हमने कैसे बोला था कि मतलब गैस फास्टर मूव करती है और लिक्विड स्लो मूव करता है? तो हमें क्या होता है, एज सून एज वी बर्न द इंसेंस स्टिक, तो क्या होता है, पूरे रूम के एरिया जो वॉल्यूम होती है वो पूरा गैस कवर कर लेती है, जबकि वेसल छोटा सा था और उसमें लिक्विड को कवर करने में 5 मिनट्स लग गए थे. तो दैट मीन्स अगर पूरे रूम को कवर करना होगा तो उससे और ज्यादा टाइम लगेगा. यस और नो? यस मैम तो दैट मीन्स हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को जैसे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते थे, उसकी जगह हम बोल सकते हैं ना वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड, कितना तुमने वॉल्यूम में काम किया, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, कितने वॉल्यूम को तुमने कवर किया अपॉन टाइम. कैन वी कैलकुलेट रेट लाइक दिस, यस मैम कितने वॉल्यूम को, छोटे वॉल्यूम को कवर किया या बड़े वॉल्यूम को कवर किया? बड़े वॉल्यूम को कवर किया मतलब तुम्हारी मिक्सिंग अच्छी थी, और छोटे वॉल्यूम को कवर किया मतलब मिक्सिंग थोड़ी स्लो थी. कैन वी रिलेट टू इट? ओके, देन अनदर वे, कभी कभी क्या हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे बट क्या चेंज हो जाएगा, प्रेशर में चेंज आ जाए. तो कैन वी से कि प्रेशर चेंज अपॉन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस कैन बी द मेथड ऑफ टाइम फाइंडिंग द रेट. देन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रोज लॉ कैन बी रिलेट. सेकेंड फॉर्मूला लिखा आपने, हम ये बता दीजिए मैम कि समझ भाई में नहीं बलून के अंदर गैस आया। डाल रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर कम प्रेशर बढ़ रहा है या ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, गैस को डाला 2 मिनट के लिए, एक जगह हाइड्रोजन डाला एक जगह हीलियम डाला, किसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ा उससे निकाल सकते हैं ना पर यस टाइम. मैम फिर अवोगैड्रोज लॉ को किससे और रिलेट कर सकते हैं? कैन बी से दिस कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम. ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो तुम रेट निकालने के लिए. कैन यू यूज देम टू फाइंड द रेट? प्लीज कीप ऑन आंसरिंग मी. कैन यू यूज ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज टू आंसर द क्वेश्चन? यस मैम ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग, मतलब तीन तरीके के फॉर्मूलाज होंगे तुम्हारे पास, तीन तरीके के पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी. या तो R1 upon R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 upon M1 से काम चल जाएगा, या फिर हो सकता है वो दोनों वेसल्स का प्रेशर डिफरेंट कर दें, तुम्हारा काम ऐसे चलेगा. और हो सकता है कभी कभी वो वॉल्यूम चेंजेस या टाइम चेंजेस दें या प्रेशर चेंजेस दें या मोल्स में चेंज दें, तो हमें ऐसा फॉर्मूला डिफर करना पड़ेगा. तो तीन फॉर्मूलाज हैं या तीन केसेस बनेंगे हमारे पास. डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, हमें जो अपना फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे वो चेंज करना पड़ सकता है. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस एंड लेट अस डू दोज क्वेश्चंस एंड देन हम चेक करते हैं कि हमें मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है. सो लेट्स डू विथ सम क्वेश्चंस टू डू इट. सो सपोजिंग मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के साथ कराती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन लाइक, वॉट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? बताओ क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मैम टाइम बेटा सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करेंगे ना. R1 upon R2 क्या होता है, क्या होता है? M2 upon M1, एक ले लो हाइड्रोजन एक ले लो ऑक्सीजन, अब निकाल लो.
अभी यहाँ पे टाइम का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने हमें दिया नहीं है, तो हम सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट वाला ही रिलेशनशिप, वन अपॉन फोर यस, जो भी आ रहा है. सो इट विल बी व्हाट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन? दैट विल बी 32 एंड दिस विल बी 2. सो 1/4 और 4, मतलब डिपेंड्स कि तुमने क्या रेशियो लिया. कैन यू गेट इट? किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? कैन यू फॉलो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? यस मैम. ठीक है. सो अब थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. सो सपोजिंग आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन टू अ डिफरेंट वन. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो सपोजिंग इट इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस whose rate of diffusion is twice that of hydrogen, or I can say 8 times. चलो पहले twice ही कर लो. is twice that of hydrogen. करो जरा. Mom, 8. Okay, let us check how to do it. So, tell me, कैसे करेंगे हम लोग? फिर से यहाँ पे किसका बीच का रिलेशन देखेंगे? जो गैस है, उसका जो रेट है, 2 times rate of hydrogen है, isn't it? So, what will I write? Upon rate of hydrogen is equal to molecular weight of the gas. Sorry, molecular weight of hydrogen. Upon molecular weight of the gas. Is this relationship correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now just put the molecular weight. So, ye kya hai? Molecular weight of hydrogen kya ho jayega? 2. And molecular weight of gas apne ko find karna hai. Ab kya karein? Square kar dein. Solve karne ke liye. This will become 4. And this will be 2 upon molecular weight of the gas. So, now tell me what will be the molecular weight of the gas. What will be the molecular weight of the gas? 1/2. तो कैलकुलेशन समझ में आया ना कैसे करना है क्वेश्चन की? Yes, ठीक है. अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं. तो सपोजिंग दिस इज क्वेश्चन इज लाइक कैलकुलेट the ratio of rate of diffusion for SO2 and hydrogen from 2 different vessels whose ratios are something like 4 into pressure of hydrogen. तो बताओ रेशियो कैसे निकालोगे आप? होंगे रिलेशन आपने किसका दिया है? PSO2 प्रेशर. ओके, दो अलग अलग प्रेशर में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है. देखो यहाँ पे हमें प्रेशर का रिलेशनशिप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां कुछ दिया ही नहीं है प्रेशर का इन्फॉर्मेशन. जो चीज नहीं दी हुई है तो उसको तो हमें सेम मानना है या फिर निल मान करके निगलेक्ट करना है. यहाँ दिया है तो यूज करो. क्या रिलेशनशिप आएगी जल्दी से बताओ.
R1 upon RSO2 RH2. Yes, that will be directly BSO2 upon PH2. Very good. And then molecular weight of? Under root MH2 upon molecular weight MSH2. Yes. So now we can solve this. So ये ratio अपने को निकालना है. इन दोनों का ratio कितना हो जाएगा? 4. And यहाँ पर hydrogen का molecular weight कितना होता है? 2 upon 32. Now can you solve this? मैम 2 upon 64 नहीं होगा. Sorry, my mistake. 64. So now this will be how much? Actually, मुझे वो लिखना था, मैंने reduce करके लिख दिया. Under root of 32. What can you write as under root of 32? 1 upon 4 root. Yes, 4 root 2. तो 4 से 4 cancel हो जाएगा? 1 upon root 2. Yes, तो क्या हो जाएगा ratio? 1 by root 2. Yes. ठीक है, तो देखो. मतलब मेरा कहने का सेंस ये था, जहां पर हमें नहीं दिया था कोई रिलेशनशिप तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से निकाला, जहां हमें रिलेशनशिप दिया है तो हमने प्रेशर को यूज करके निकाला. कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस मैम. ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. इन व्हाट टाइम 4 grams ऑफ हाइड्रोजन विल डिफ्यूज अंडर सेम कंडीशंस if 32 grams of oxygen diffuses in 20 seconds. Now try this. Try this. क्या फॉर्मूला लगाओगे? You know rate of hydrogen is to oxygen का रेशियो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फोर टाइम्स होगा. एम आई क्लियर टिल हियर? यस मैम. मैम हाउ इट इज 4 times? अरे अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट करो बेटा. यस मैम. यस मैम. ओके. अब लेकिन इन्होंने रेट का फॉर्मूला नहीं पूछा है ना, कुछ पूछा, तो अब इसको टाइम से कैसे रिलेट करते हो? हाउ विल यू रिलेट विद टाइम? रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन. वेरी गुड. बस वही लगा दो. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टाइम. ओके. तो यहाँ पर बस हम लोग इस वाला जो फॉर्मूला है ना रेट की जगह, हाउ कैन आई राइट इट विल बी इक्वल टू वेट? मोल्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि मोल्स तो लिखा नहीं है, यहाँ पे वेट लिखा है. तो वी विल राइट वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन टू फाइंड द मोल्स. ओके. एंड टाइम यू कैन राइट लाइक दिस. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय moles of oxygen divided by time required by oxygen, that will be equal to what? 4. Rate ko hum log aise likh sakte hain ki nahi? Kitne moles nikal ke gaye upon time?
Now use this relation to do the question. ये होगा कि नहीं? Can you get it? उन्होंने हमें 2 moles of hydrogen बोला है, time अपने को निकालने को बोला है, और यहाँ पर indirectly they have given me 1 mole of oxygen और time उसका 20 seconds है. So solve this and give me the time. 10 seconds. Yes. So time required for the diffusion of hydrogen, 4 grams of hydrogen under similar conditions will be 10 seconds. Can you get it? अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे फॉर्मूलाज लगाने हैं? Can you follow this? तो मैं दूसरे क्वेश्चन पर मूव ऑन करूं. कब अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये चीज क्लियर हो रही है? जैसा डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूले का रेंज चेंज करो. ओके, नाउ मूविंग टू वन मोर क्वेश्चन. सो सपोजिंग देयर इज अनदर क्वेश्चन लाइक 1 meter लॉन्ग ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ एंड्स. Both ends. Okay, from one end, ammonia, and from other, HCl gas is introduced. ओके, अब ये दोनों जब मिलते हैं तो NH4Cl मिल्क बनता है विच इज व्हाइट इन कलर. सो यू हैव टू टेल मी एट व्हाट एंड, नियर टू व्हाट एंड, सॉरी माय मिस्टेक, नियर टू विच एंड, मतलब किसके नियर, HCl एंड के नियर या फिर अमोनिया एंड के नियर व्हाइट फ्यूम्स विल बी फॉर्म्ड. कहाँ पे बनेंगे? मिडिल में बनेंगे, HCl के पास बनेंगे, अमोनिया के पास बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे? What do you think will be the correct answer? What do you think will be the correct answer? Yes. NH3 के पास या HCl के पास? देखो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किस कौन लाइटर, किस लाइटर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है या हेवियर गैस का? लाइटर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लाइटर. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है अमोनिया का? NH3 का लाइटर है 70. मैम लाइटर है. सो इफ यू आर सेइंग अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू HCl, तो वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगी फॉर सेम टाइम या फिर कम वॉल्यूम कवर करेगी? मैम मोर वॉल्यूम, ज्यादा. More volume, volume of ammonia diffused will be greater. And how do you find volume? Volume का formula क्या था? ये cylinder है. What is the formula of the volume? Pi r square h. So I can say area of cross section into height. Time तो दोनों का एक ही time पे introduce किए, जब ये मिलेंगे तो भी तो time travel same ही रहेगा. So can I say area of cross section into length of ammonia जितना उसने travel किया will be greater than area of cross section into length of HCl जितना travel किया. अब यहाँ पे बताओ किसने ज़्यादा distance travel किया होगा?
किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल NH3 में और किसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया HCl. तो किसके नियर पे बनेगी व्हाइट फ्यूम्स किसके नियर ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है HCl. So where will be the white fumes will be formed? ऐसे समझ लो ना दो दोस्त अलग अलग डायरेक्शन से मिलने को आ रहे हैं और एक की स्पीड कम है एक की स्पीड ज्यादा है तो जब जब जहां जिस पोजीशन पे वो मीट करेंगे वो पोजीशन क्या हो जाएगा क्लोजर टू वन व्हिच हैज स्पीड लोअर यस सो व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म्ड नियर HCl एंड कैन यू गेट माय पॉइंट कैन यू गेट द सॉल्यूशन नाउ समझ में आया Yes, ma'am. Okay, तो ये था मतलब एक तरीके से कह सकते हो JE mains type का question कि तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पे बनेगा बट इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन करते हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन कि अगर मैं तुमसे पूछूं एट वॉट डिस्टेंस मतलब अब मैं तुमने ये तो बता दिया कि HCl के पास में मीट करेंगे लेकिन एक पर्सन सैटिस्फाइड नहीं है वो बोल रहा है मुझे प्रूफ करके बताओ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम HCl एंड व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्मड कैन यू डू दिस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द HCl एंड व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्मड Would you like to try or shall I tell you? Bolo beta, kar rahe ho try ya main batau? Arre bolo. Hum try kar rahe hain. Okay. तुम्हारे सामने डाल दिया था बेटा पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने था चलो देखो ठीक है डिस्टेंस पूछा है डिस्टेंस का मतलब क्या पूछा है उन्होंने डिस्टेंस कैन बी रिलेटेड टू व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम कवर्ड बाय वॉल्यूम या फिर लेंथ डिस्टेंस का मतलब तो लेंथ पूछा है ना तो सपोजिंग ये एल लेंथ है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1 - L इन मीटर क्योंकि टोटल लेंथ हमारे को दी हुई है It is 1 meter, so this length is 1 - L meters. ठीक है? So supposing L distance from the HCl from end वो white fumes जो हैं यहाँ पर generate हो रहे हैं. तो that means tell me HCl ने कितना volume cover किया है? What is the volume of HCl covered? Volume कैसे निकालते हो? How do you calculate the volume? What is the formula of rate of diffusion equals to change in volume upon time? Yes, volume upon time. And यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे volume of ammonia by time. ठीक है that will be equal to under root of this upon this. Time दोनों के लिए same होगा meeting का या different different times होंगे? Time same होगा? Same होगा. तो ये cancel हो गया volume बचा. But यहाँ पे volume का कोई information नहीं दिया है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं अभी मैंने तुम्हें बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट कितना हाइट कवर किया HCl ने L L देखो L डिस्टेंस कवर किया है ना L कैन यू गेट इट यस मैम एंड फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो सेम है कि पूरा रेगुलर पाइप है एंड दिस विल बिकम व्हाट 1 - L And this is equal to be under root of 1/36.5. So A से A cancel हो जाएगा. Can you solve for L to calculate the value of L? Can you now solve for L? Yes, ma'am. So actually, ये जो तुम्हारा question है, ये already
इट हैज बीन आस्क्ड इन सम ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आईआईटी में पूछा हुआ ही है, तो मैं तुम्हें उसका लिंकिंग बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से ट्राई करने को बोला. कुछ इसका नियर बाय का कुछ क्वेश्चन है, कुछ इसी टाइप के लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वो पूछा गया है. सो इफ यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ यू आर फीलिंग टाइम. आपने कैसे इक्वल किया मैम? दो दोस्त अलग अलग डायरेक्शन से मिलने को आ रहे हैं, तो जब वो मीट करेंगे तो उन दोनों का टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? अच्छा मैम, सेम टाइम पे चले. ठीक है, ओके. तो अब अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफ्यूजन का, तो तुम कर पाओगे? अलग अलग फॉर्म्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आर यू फॉलोइंग देम? कैन यू डू इट? यस मैम. Now I am giving you last question for diffusion, then we'll move to the next topic. So what weight of methane will diffuse under similar conditions if 4 grams of hydrogen diffuses in 20 seconds for the same time. Chalo, try this. What is the weight of methane which will diffuse under same conditions if 4 grams of hydrogen diffuses in 20 seconds? Try this. What is the molecular weight of hydrogen? So what is the weight of methane? It will be how much? 16 to the 32 upon under root of 8. Can you solve this now? Eight ka matlab 2 root 2. Grams. Can you follow the calculation part? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना स्टार्ट हुआ कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Can you get it now? Are you feeling comfortable with the formula thing now? Yes, ma'am. चलो फिर next हम लोग topic की तरफ move on करते हैं. So that is now another topic, that is Dalton's law of partial pressure. So let us finish with that part. So moving to the next thing, that is your Dalton's law of partial pressure. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ वैलिड होगा नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर के लिए. अगर गैस रिएक्ट कर रही है तो सॉल्व कैसे करना, जैसे मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन करके बताया था, शायद अमोनिया और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर लिया था, तो वो जो मिक्सचर था वो कैसा था, रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग? रिएक्टिंग. वहां पे मोल कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर गैस लॉज लगाना था. वी डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पर कैसे टाइप के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स.
ये लॉ यहाँ ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स. मुझे बताओ किसमें एप्लीकेबल होगा और किसमें नहीं. सपोजिंग आई गिव यू अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, आई गिव यू मिक्सचर ऑफ एयर, यू नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर. देन इफ सपोजिंग आई गिव यू अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड HCl, देन इफ आई गिव यू अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ज़ीनॉन, then I give you a mixture of hydrogen and oxygen. तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ Dalton's law is not applicable. Will it be applicable here? No, it is not applicable. Air? Yes, ma'am. It is applicable because it is a mixture of nitrogen and oxygen and they do not react. तभी तो atmosphere में present, otherwise react करते तो खत्म ही हो जाते. Again, is it applicable here? No, ma'am. मैंने तुम्हें बताया, it forms. Will it be applicable here? Yes, ma'am. Inert gas है. And will it be applicable over here? No, ma'am. Because they form water. Okay. तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हमें हमारा मिक्सचर दिया जाएगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है. अगर वो नॉन रिएक्टिंग होगा तो क्या लगाओगे? Dalton's law, partial pressure. और रिएक्ट कर गया तो क्या लगाओगे? पहले मोल कॉन्सेप्ट. स्टोइकियोमेट्री. यस. सो व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? ऑफ पार्शियल प्रेशर इट स्टेट्स दैट, ओके व्हाट इज इट, इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर the total pressure exerted by two or more non-reacting gases occupying a definite volume occupying a definite volume is equal to the sum of partial pressure of the component gases. Fine. So this is the language of the law. आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट सा फील हो रहा होगा. सो लेट अस, जैसे समझने के लिए अपने को मैथमेटिकली ज्यादा समझ में आता है तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझ लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस थिंग. तो अभी इसको समझाने के लिए व्हाट आई एम टेकिंग इज सपोजिंग देयर इज अ कंटेनर लाइक दिस. फाइन. अब इसमें सपोजिंग मैंने 10 पार्टिकल्स गैस ए के डाल दिया और 10 पार्टिकल्स मतलब इसमें गैस ए के हैं तो अब ये जो पार्टिकल्स है वो खाली बैठे रहेंगे या कंटिन्यूअसली मूव करेंगे? गैस की प्रॉपर्टी क्या है? They'll move. They will continuously move. And supposing मैंने 5 पार्टिकल्स गैस बी के डाल दिए. ठीक है. और सपोजिंग अब बताओ इन दोनों इनमें से प्रेशर कौन लगा रहा होगा? इनमें से प्रेशर कौन लगा रहा होगा? हम दोनों ही. दोनों ही लगा रहे होंगे तो इसका मतलब है जो प्रेशर आएगा वो दोनों की वजह से आएगा. मतलब प्रेशर ऑफ गैस ए भी आएगा और प्रेशर ऑफ गैस बी भी आएगा. लेकिन सपोजिंग अगर इसमें देयर आर 15 कोलिजन्स हैपनिंग पर सेकंड. ओके. इस वेसल के ऊपर 15 कोलिजन्स आ रहे हैं पर सेकंड. तो व्हाट डू यू थिंक ए गैस कितने कोलिजन्स कर रहा होगा पर सेकंड अगर उसके 10 पार्टिकल्स है तो? What do you think? 30, ma'am. Collisions मतलब with the walls of the container. ठीक है, क्योंकि उसी से pressure generate होता है. तो what do you think कि 10 particles अगर total collision 15 हो रहे हैं तो what do you think कि with walls of the container A का contribution कितना होगा? अरे एक random 10
ठीक है. सो इन 15 कोलिजन अगर सपोज मैंने का सोचा कि हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 15 कोलिजन, 10 कोलिजन जो हैं वो गैस ए की वजह से हो रहे होंगे और बाकी बचे हुए 5 कोलिजन गैस बी की वजह से हो रहे होंगे. तो कैन आई से लाइक दिस कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का, मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स ऑन हाउ मच अमाउंट यू आर पुटिंग, क्योंकि जितने अमाउंट में डालोगे उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही वो कोलिजन